बड़ी खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ मंदिर में हमले के मामले में आपको बता दें कि कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। लश्कर के कमांडर के संपर्क में था मुर्तजा, सूत्र के हवाले से जानकारी है। साथ ही आपको बता दें कि नेपाल एजुकेशनल सोसाइटी में भी प्रशिक्षण लेने जाता था, फिर हमले के लिए सीख रहा था बम बनाना। साथ ही आपको बता दें कि एक से एक बड़े खुलासे हो रहे हैं गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले को लेकर। सूत्र के हवाले से जानकारी है, लश्कर के कमांडर के साथ संपर्क में आया था मुर्तजा। साथ ही आपको बता दें कि नेपाल एजुकेशनल सोसाइटी में जाकर प्रशिक्षण ले लेता था, फिदाइन हमले के लिए बम बनाना सीख रहा था। सूत्र के हवाले से सभी जानकारी आ रही है। साथ ही मुर्तजा को बम बनाने की विशेष ट्रेनिंग भी दी जाती थी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी किस तरह से मुर्तजा ने एक के बाद एक कबूलनामे किए हैं। और आपको बता दें कि गोरखनाथ हमले का ये पूरा मामला है जहां पर जो मुख्य आरोपी है मुर्तजा एक के बाद एक नए खुलासे करते हुए नजर आ रहा है। एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ में बताया गया है किस तरह से नेपाल एजुकेशनल सोसाइटी में प्रशिक्षण लेने जाता था मुर्तजा, मुर्तजा को बम बनाने की विशेष ट्रेनिंग भी दी जाती थी। लगातार ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से मुर्तजा अब एटीएस के सामने कबूल कर रहा है कि किस तरह से कि आतंकी गतिविधियों में वो सम्मिलित था। दोनों सामान लेके हम टेम्पो पे चढ़े, 4500 का सामान था टेम्पो पे चढ़े, टेम्पो से नवाड़ है, नवाड़ से जो है उसने कहा आपको गोरखपुर पहुँचा देंगे। हमने कहा भाई ठीक है, गोरखनाथ में रुकवा देना, तो पुलिस है उसी पर हम कुछ अपना कर देंगे, फिर हम भी चले जाएंगे, काम हो जाएगा, हम भी हम रहेंगे। तो इस तरह से हमारे थॉट्स बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो CNRC भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना, हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग फैक्टर है। उसको मैं दिमाग में हूँ जस्टिफिकेशन, उसके मतलब कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी बनाता है, उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था देखो मुसलमान का जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में इतनी हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मतलब उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब थक गया 200 रुपये में, बोला कर ही दो भाई ये सब सोच के जो है। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि जुड़ चुके हैं। आइए उनका रुख करते हैं और जाने की कोशिश करते हैं किस तरह से एक के बाद एक जो मुर्तजा है मुख्य आरोपी गोरखनाथ हमले का, वो एक के बाद एक एटीएस के सामने खुलासे करा है और अब आतंकी गतिविधियों में भी वो सम्मिलित पाया गया है, इस पर क्या कुछ जानकारी है रवि? देखिए लगातार यूपीटीएस की टीम उससे पूछताछ कर रही है और आपको ये बता दें सूत्रों के हवाले से खबर आई कि लश्कर के कमांडर के संपर्क में भी जा रहा है और ये भी जानकारी है कि नेपाली में भी प्रशिक्षण लेने जाता था, ये भी जानकारी आ रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ही सारी खबरें हैं और उसके अलावा फिदाइन हमले के लिए बाकायदा ये बम बनाना सीख रहा था, कैसे बम बनाया जाता है इसकी विधि सीख रहा था और ये भी जानकारी केमिकल इंजीनियर का छात्र रहने की वजह से विशेष ट्रेनिंग है वो दी जा रही थी। और जो भी जानकारी और मिली है गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर पर हमले का जो आरोपी मुर्तजा लश्कर ए तैयबा के स्लीपर सेल कमांडर उमर शम्स उर्फ मदनी के भी संपर्क में था, जो कि सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है। हालांकि इसकी कोई तारीख इतनी नहीं है, हालांकि लगातार जो पूछताछ की से तमाम सारे खुलासे हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि नेपाल एजुकेशन सोसाइटी से उसके तार है वो जुड़े हुए, जो अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और मूल रूप से मधुबनी बिहार का रहने वाला मदनी कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के स्लीपर सेल का कमांडर है और साफ तौर पे कई आतंकी गतिविधियों में नाम आने के बाद से मदनी नेपाल को ठिकाना बना दिया था और वहां वो नेपाल एजुकेशन सोसाइटी नाम से संस्था चलाता है, इसकी आड़ में अपनी छवि शिक्षक मौलवी की बना रखी है। मदनी के निशाने पर यूपी हर वक्त रहता है और जो कि पहले भी कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आई और मदनी का नेटवर्क पूरे नेपाल में बकायदा फैला हुआ है और उसके ज्यादातर पिछल केंद्र यूपी के सीमा के आसपास संचालित होते हैं, जो कि सूत्रों से हमें जानकारी मिली है। और साफ तौर पर इसके मुख्य रूप से जो कपिल वस्तु है जहां से मदनी अपना नेटवर्क और ऑपरेट करता है, हालांकि इसको लेकर जांच पड़ताल है वो लगातार की जा रही है, तमाम सारे खुलासे हैं वो हो रहे हैं और ये देखना होगा कि अभी जो पूरी जांच होगी और इसमें क्या कुछ और चीजें निकल कर आती है। लेकिन जिस तरीके से टेरर एंगल है वो माना जा रहा था शुरुआत में कि इसका भी टेरर एंगल कुछ हो सकता है, लेकिन जिस तरीके की चीजें सामने आ रही है वो बहुत कुछ बयान करती है। हालांकि अभी भी जो जांच
पड़ताल है वो आगे है, पूछताछ जारी है और रिमांड के दौरान ही अभी और जो पूछताछ आगे होगी उससे भी बहुत सारे खुलासे हैं वो होने की उम्मीद है। जी रवि, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, एक आम इंसान जो अगर आप कहें जिस तरह से सपा कह रही है कि दिमागी हालत मुर्तजा की ठीक नहीं है, लेकिन जिस तरह की जो अब खुलासे हो रहे हैं कि प्रशिक्षण लेता था बम बनाने का, और एक मेंटली जो सिक इंसान है वो इतना कुछ तो नहीं कर सकता। जाहिर है अगर बात करें तो जिस तरीके की चीजें सामने आ रही है, जिससे उसका बयान है, तो वो साफ करता है कि वो जानबूझकर ऐसी सारी चीजें की है, यानी कि अपने आप को दिखाने की कोशिश भी कर रहा था कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, मानसिक रूप बीमार है, लेकिन जो चीजें सामने आ रही है खुद के, अगर हम जो वीडियो जो सामने आया है उसमें जिस तरह का जो बयान है वो बताता है कि सब कुछ समझी साजिश करके सारी घटना को अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं इसके लिए बगैर उसकी अब जांच कराने की भी तैयारी है वो की जा रही है, ताकि उसकी स्थिति का सत्यापन हो सके कि किस तरीके से जो स्थिति उसकी जो बताई जा रही है उसमें सच्चाई कितनी है, और जिस तरीके से उसकी मानसिक स्थिति को लेकर जिसको परिवार उसके पिता की तरफ से बताया गया था उसमें कितनी सच्चाई, हालांकि इसको लेकर ही जब जांच पूरी हो जाएगी, जब चीजें आगे और आगे आएंगी तो बहुत कुछ सामने आने की उम्मीद है। फिलहाल यूपीएस की टीम लगातार जांच कर रही है और एक के बाद एक नए खुलासे इसमें हो रहे हैं, और ये देखना होगा जब जांच पूरी होगी तो और क्या कुछ निकल कर आता। जी रवि, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।